अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है या आपका वोटर कार्ड पुराना हो गया है या आपने कभी वोटर कार्ड के लिए करेक्शन किया है तो आपका वोटर कार्ड आपके पते पे नहीं आया है तो वोटर कार्ड रिप्लेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से वोटर कार्ड को रिप्लेसमेंट में कैसे कर सकते हैं और फिर से आप अपना वोटर कार्ड कैसे मंगा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया है तो इसे अपडेट कर लेंगे क्योंकि इसका नया अपडेट आ चुका है। चलिए हमने इसे अपडेट कर लिया है, अब हम इसे यहीं से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप अगर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए हैं तो इंटर कर लेंगे, अदरवाइज आप स्किप लॉगिन पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जब सबसे नीचे ऑप्शंस जो दिया है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि अगर आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है वो नहीं मिला है या गुम हो गया है तो आप यहां से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सबसे पहले आप यहां पे अपना नाम इंटर करेंगे तो यहां पे लेट्स स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे आया है डू यू ऑलरेडी हैव ए वोटर आईडी नंबर, तो यहां पे यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपना वोटर आईडी नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद फेच डिटेल्स करेंगे। तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो फाउंड कर ली गई है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एड्रेस इंटर करना होगा, इसके बाद स्ट्रीट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद विलेज, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन, फिर आप पिन कोड इंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। अगर आपका एड्रेस अगर हिंदी में सही नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट टूल्स की मदद से आप सही कर सकते हैं। इसके बाद अपना मैच कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रीज़न ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, यानी कि आपका रीज़न क्या है कि आप इसे रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लॉस्ट, या तो आप लिख देंगे आपने करेक्शन किया हुआ है तो आपको ये रिसीव नहीं हुआ है, तो आप करेक्शन भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से लिख सकते हैं लॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे, यहाँ से हम एक ईमेल आईडी इंटर करेंगे और नीचे इंटर करेंगे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी। तो यहाँ से आप अपना चाहें वोटर आईडी कार्ड तो आप सीएससी से भी निकलवा सकते हैं। इसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड चाहें तो आप बाय पोस्ट से भी रिसीव कर सकते हैं, या वोटर कार्ड आईडी कार्ड आप जाके अपने बीएलओ के पास से भी रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको 25 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। इसके लिए आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे कि आप अपना बाय पोस्ट रिसीव करना चाहते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर 25 रुपीज़ का पेमेंट देना होगा। चूँकि अभी पेमेंट का ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है इसलिए ऑफलाइन पेमेंट है, तो आप जब भी अब जाएंगे वहाँ पे तो आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट आपको देना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पर फिल करना होगा, प्लेस इंटर करेंगे, फिर डन करेंगे। डन करते ही आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद अपनी डिटेल्स को आप मैच कर लेंगे, उसके बाद कन्फर्म करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, आपको उसे कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से वापस आना है होम पे क्लिक करने के बाद आप एक्सप्लोर में जाएंगे। एक्सप्लोर में जाने के बाद यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन चेक करेगी, यहाँ से आप अपना कॉपी जो किए रहेंगे वो पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा, फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी कंडीशन में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको कम से कम 30 दिन के अंदर में आपको आपके पते पे आपका वोटर आईडी कार्ड आसानी से मिल जाएगा।